अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई होगी और आप लोगों ने डिसाइड भी कर लिया होगा कि क्या पहनना है। बट मैंने तो देखो कोई शॉपिंग तो नहीं की अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने पहले से ही करके रखी थी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है कि क्या पहनूं मैं। तो मैंने कुछ ड्रेस लेके बैठी हूँ, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना है कि मैं क्या पहनूँ ईद में, ठीक है। और ये जो भी मैं पहनने वाली हूँ आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, वो सारी शॉपिंग मैंने मीशो से की थी। मीशो पे हमें ना पॉकेट फ्रेंडली शॉपिंग करने का मौका मिल जाता है, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्ट काफी सस्ते दामों में मिलते हैं, और साथ ही साथ वो एक रीसेलिंग ऐप भी है जहाँ से आप घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इनमें से कौन सा ड्रेस कल पहनूं। और दूसरा, हाँ, अगर आप मेरी दिए हुई लिंक से अगर आप बाय करते हो तो आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल जाएगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पे मैक्स 100। और ये सारे प्रोडक्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक नहीं सॉरी कोड, क्योंकि मीशो पे लिंक नहीं होते कोड होते, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन 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 फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे सजेस्ट करना कि मैं कल क्या पहनूं। ओके, तो सबसे पहले ये गाउन है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, ठीक है। ये लाइट ग्रीन कलर का गाउन है, पिस्ता कलर का, ठीक है, मीडियम साइज है, देख सकते हैं आप। इस पे व्हाइट कलर का प्रिंट है और यहाँ पे हमें गोटा पट्टी लग के मिल जाती है गोल्ड कलर की, और इस पे ना ये व्हाइट कलर के बटन है जो ओपन नहीं होते। तो ये एक है, एक्चुअली मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे इंशाल्लाह, मैं सोच रही हूँ कि मैं ईद में गोल्ड पहनूंगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनूंगी, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रही कि मैं क्या पहनूँ, समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा, तो इसकी जो स्लीव है ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की स्लीव दी है और कंफर्टेबल है, ये वेयर करने के बाद बहुत कंफर्टेबल है। गोल्डन मतलब इस पे ना फॉइल प्रिंट भी दिया हुआ है, ठीक है, गोटा पट्टी स्लीव पे भी लग के मिल जा रही है। राउंड में आप देख सकते हैं कि मेरे बॉडी पे कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, ठीक है। और इस पे पूरी फ्लेयर मिल जाती है, नीचे पूरा घेर है, घेर घेर घेर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और नीचे भी गोटा पट्टी लग के मिल गई है हमें, और नीचे का बॉर्डर भी काफी अच्छा है, जो नेक पे प्रिंट है वही सेम प्रिंट हमें बॉटम में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। तो एक ये है ट्राई ऑन, देख सकते हैं आप साइड में। दूसरा भी ग्रीन कलर का है, बॉटल ग्रीन कलर का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, इस पे भी गोल्डन प्रिंट है, देख सकते हैं ये बॉटल ग्रीन है। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये बचते हैं, ये 25 पैसे का कुछ ऐसा वो बना हुआ है, जैसे बचपन में 25 पैसा नहीं यूज करते थे अपन, वही ये लग रहा है मेरे को, 1965 नहीं, लेकिन 25 पैसा इतना छोटा तो कभी आया नहीं ना, क्या पता बाबा, मैंने तो इतने गौर से कोई ये पैसे देखे ही नहीं अपने टाइम पे, जल्दी बंद हो गए थे ये सब चीज, चार आना, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके का, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसकी प्रिंट भी बहुत अच्छी है, डार्क शेड में जा रहा है एकदम डार्क, और नेक का प्रिंट आप देख सकते हैं किस तरह से दिया गया, इसका स्लीव पे भी प्रिंट मिल जाता है, ठीक, ये देख सकते हैं आप। ओके, और ये स्ट्रेट कुर्ता है, साइड से कट मिल जाता है, ये देखिए, ठीक है, बैक पे भी सेम प्रिंट है, स्ट्रेट है ये कुर्ता। इसके साथ हमें मिल जाता है शरारा, इसके साथ दुपट्टा अवेलेबल नहीं है, इसके साथ गोल्डन कलर का दुपट्टा मुझे वेयर करना होगा, गोल्डन कलर का दुपट्टा है मेरे पास, ठीक है। तो इसकी जो है ना इलास्टिक काफी कंफर्टेबल है, देख सकते हैं आप, उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी। शरारे की जो घेर है वो भी काफी चौड़ी है, आप देख ही सकते हो, अच्छी खासी घेर दी गई है, थाईज एरिया में भी अच्छा खासा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कंजेस्टन, उठने बैठने में दिक्कत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इस पर मुझे गोल्डन कलर का दुपट्टा लेना होगा जो कि है मेरे पास, ठीक है। तो एक ये हो गया, और दूसरा है ये वाला, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये दोनों नहीं शेयर किया था, ये वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये एक मैंने निकाला है ईद में वेयर करने के लिए, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि कौन सा पहनो आप प्लीज ईद पे, यानी कि कल है ईद इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। अगर आप लोगों को इसमें से कोई प्रोडक्ट बाय करना है या कोई ड्रेस पसंद आ रहा है तो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देख सकते हैं इस पे कुछ इस तरीके का बारीक बारीक सा प्रिंट किया हुआ है, गोल्डन में और ब्लैक में, ठीक है। गोटा पट्टी दी गई है स्लीव पे, स्लीव पे पूरा काम दिया हुआ है मतलब कि प्रिंट का, ठीक है। नेक बिल्कुल प्लेन है, सामने सिर्फ गोटा पट्टी दी गई है, नीचे तक के, सिर्फ ऊपर नहीं है नीचे तक के दी गई है। और ये भी स्ट्रेट कुर्ता है और नीचे भी आपको प्रिंट देखने के लिए मिल जाता है, नीचे तक के प्रिंट है पूरा, ओके। और साइड में भी गोटा पट्टी देखने के लिए मिल जाती है गोल्डन कलर की, इसके
इसका जो प्रिंट है ना वो काफी पसंद आया मुझे, इसलिए मैंने ये निकाला है। देखते हैं अभी, आप लोग कमेंट करके बताना मुझको कौन सा अच्छा लगा है। ठीक है, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो फिर दूसरा कोई निकाल के पहन लिया। ओके, तो साथ ही साथ इसके है प्लाजो, ये देखिए इसकी भी इलास्टिक काफी अच्छी है, ये देखिए। और इसके बॉटम पे भी अच्छी खासी प्रिंट, जैसे वो टॉप पे दी गई है वैसे ही दी गई है। देखिए गोटा पट्टी लगी हुई है और ऊपर तक के प्लाजो में प्रिंट देखने के लिए मिल जाता है हमें, खाली नहीं दिखेगा ये वेयर करने पे। ठीक है, तो ये प्लाजो मिल जाती है इसके साथ। और इसका जो दुपट्टा है ना, वो दुपट्टा काफी पसंद है मुझे, नेट का दुपट्टा है, गोटा पट्टी दी गई है, ये मैंने उल्टा पकड़ा है, नेट का दुपट्टा है, पूरी गोटा पट्टी दी गई है, और ये जो है ना शिमर टिकलियों का काम किया हुआ है इसके ऊपर, टिकलियों का। ठीक है, तो ये दुपट्टा काफी अच्छा लगा मुझे, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है। ठीक, तो ये तीन ड्रेस मैंने निकाले थे ईद में पहनने के लिए, और साथ ही साथ दो दुपट्टे भी, दो मैं लाती हूँ। हाँ, तो मैं लेके आ गई। तो ये वाले, ये तो सिर्फ कुर्ता मिला है ना, अनारकली कुर्ता मिला, इसके साथ प्लाजो और दुपट्टा नहीं था। तो इसके लिए मैंने ना एक ये नेट वाला दुपट्टा व्हाइट कलर में मंगाया, मैं खोल के बताती हूँ आप लोगों को। वैसे मेरे पास एक और एक है, लेकिन उस पर बिग प्रिंट है, इस पर थोड़ी छोटी छोटी प्रिंट है, और बहुत सॉफ्ट है। क्या ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए ये वाला दुपट्टा इसके साथ। ठीक है, तो ये वेयर करूंगी तो काफी अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है मुझको। तो ये दुपट्टे का भी जो कोड है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत अच्छा लगा, इवन मुझे अम्मी के लिए भी मंगाना है, ये अम्मी को बहुत अच्छा लगा ये, तो ये अम्मी के लिए मंगाना है मुझे, या फिर यही दे दूंगी मैं, जान दूं मैं, वो बड़े वाला पहन लूंगी, बड़े प्रिंट वाला। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये दुपट्टा, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एक दुपट्टा मंगाया है, ये वाला, ये भी बहुत सॉफ्ट है, इसमें डबल कलर है, ये देखिए ना, मस्त, एकदम सॉफ्ट है, एकदम सादे सॉफ्ट। अगर कुछ समझ नहीं आया ना मुझे, तो मैं व्हाइट ड्रेस पे ये दुपट्टा ओढ़ लूंगी, सबसे बेस्ट हो जाएगा। बहुत हल्का, बहुत ज्यादा हल्का, बहुत हल्का, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मैं क्या पहनूं ईद में, प्लीज मैं वेट करूंगी, कमेंट जरूर करना। ठीक है, वैसे तो देखिए शॉपिंग करके रखती हूँ मैं ऑलरेडी, मेरे पास है बहुत सारे कपड़े, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे इनमें से ही कोई पहनना है। अगर आप लोग बताओगे इनमें से मैं क्या पहनूं कल, जिसपे मैं गोल्ड ज्वेलरी पहन सकती हूँ, तो ओके, अदरवाइज फिर मेरे को कुछ और ही निकाल के पहनना पड़ेगा। प्लीज कमेंट करके बताना कि मैं क्या पहनूं, और अगर आप लोगों को इसमें से कुछ बाय करना है तो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को घर बैठे बैठे अर्निंग करना है या मीशो ऐप कैसे चलाते नहीं पता, तो आने वाली क्लिप को वॉच कर लीजिए। ओके, तो ये है मीशो ऐप, और यहाँ से ही मैं ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ। ये है इसका होम पेज, जो भी ट्रेंडिंग होता है वो यहाँ पे होम पेज पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली शॉपिंग कर सकते हैं हम, प्राइजेस काफ़ी कम होते हैं। और ये है कैटेगरी, और ये है ऑर्डर, ये मेरे ऑर्डर है, मुझे सारे रिसीव हो चुके हैं और सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए, मेरे को यहाँ पर ये दिखा है, ये 5 कुर्ते है जो 914 यानी 914 रुपीज़ में 5 कुर्ते हमें मिल जा रहे। अभी अगर ये मुझे खुद बाय करना है तो मैं अपना साइज़ सेलेक्ट करूँगी और ऐड टू कार्ट कर दूँगी। और ये हो गया ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे ना ये मेरा एड्रेस आ गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको छुपाने की कोशिश की है तो ऐसा है। और अब यहाँ पे अगर ये मुझे खुद बाय करना है तो मैं 914 में बाय कर लूँगी। अगर ये मुझे रिसेल करना है तो मैं इसका प्राइस बढ़ा के बायर को बताऊंगी। और फॉर एग्जांपल मुझे ये 1000 में बेचना है तो मैं 1000 मेंशन करूंगी और पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी, मैं पेटीएम सेलेक्ट करती हूँ और ऑर्डर कर दूंगी। प्रोडक्ट बायर के घर चला जाएगा और मार्जिन मेरे बैंक में आ जाएगा।